कुछ इस तरह भगवान का नाम लेकर हमारे दिन की शुरुआत होती है। इस संस्थान की स्थापना सन 1985 में मेरे परम पूज्य पिताजी कैलाश मानव जी ने समाज सेवा के लिए की। जब से हो संभाला महापुरुषों की जीवनियां पड़ी, बार बार लगा क्या कैलाश तू कुछ कर पाएगा, भगवान से प्रार्थना करता था। 20 साल की उम्र में बंद कमरे में आंखों से बहुत आंसू आते थे, प्रभु आप ही कुछ करवा देना। जब छोटा था भावना रहती थी काश इसके फल सारे बिक जावे और इसकी सब्जियां सारी बिक जावे, और पार ब्रह्म परमात्मा ने वो कृपा की। नारायण सेवा संस्थान का पौधा 1976 में पिंडवाड़ा की पीड़ा के रूप में जो 40 नर नारायणों का मेरी धर्मपत्नी ने जब उनके खून के कपड़े धोए, कमला देवी जी ने बार बार प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इन सबको स्वस्थ कीजिए, इनके जो अंग कट गए हैं, रुधिर निकल रहा है, इनके दर्द बहुत हो रहा है, इनका अंग स्वस्थ हो, रुधिर निकलना बंद हो। एक कृष्णा जी मिल थे तो उनके पास थाली आई, थाली में 3 रोटी 4 रोटी आई, उन्होंने एक ही रोटी खाकर थाली को रख दिया। जब वहाँ मानव साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भैया जी आपको भूख नहीं लग रही है क्या? कब भूख तो इतनी लग रही है कि सब रोटी खा जाऊं, पर फिर मेरे 4 भाई भी आए हुए हैं तो एक एक रोटी हम खाएंगे जब जाके हमारा चलेगा, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं तो 100 रुपया भी वाणे से उधार लाया जो भी देना पड़ेगा। तो वो एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करके हम घर घर जाके बिटिया जाके लाती थी और फिर वो आटा इकट्ठा करके भोजन बना के फिर भोजन आप मानव साहब ले जाते थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, जिसके पास खाने को ही नहीं है, दवाई के पैसे ही नहीं है तो खाने के पैसे भी नहीं है। आपका हाथ आ गया या आप मिल गए, हम निहाल हो गए। जय श्री कृष्ण, नारायण सेवा संस्थान से। जी सर, निश्चिंत रहिए सर, आप हमारी संस्थान की जो टीम है आपको स्टेशन पे रिसीव कर लेगी। नारायण सेवा संस्थान ने रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 9 बसेस लगाई हुई है, वो बसेस भर के आती हैं। जब जब ट्रेन आती है उदयपुर में किसी भी स्थान से तो हमारी बसेस वहाँ उपस्थित रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, और हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेन से प्लेटफॉर्म से उन पेशेंट्स को कैरी करते हैं व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के द्वारा और उन्हें बसेस में पहुँचाते हैं। मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं पेशेंट लेके आता हूँ। मैं रोज़ 200 या पौने 200 किलोमीटर रोज़ गाड़ी चलाता हूँ, भारत के कई जगहों से मतलब पेशेंट आते हैं और यहाँ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, जिसकी कोई याद नहीं रहती है, कोई लिमिट नहीं रहती है। तकरीबन 300 से 400 पेशेंट प्रतिदिन भारत के विभिन्न कोनों से आते हैं, ज़्यादातर यूपी और बिहार से है, उसके अलावा महाराष्ट्र, एमपी, पंजाब से भी पेशेंट्स आते हैं, भारत के विभिन्न स्टेट से, मैं ये कहूँगा कि 29 या 30 स्टेट से पेशेंट आते हैं, भारत के बाहर से भी आते हैं। आज तक हमने 16 देशों के पेशेंट ऑपरेट कर दिए हैं। आने वाले पेशेंट्स के लिए डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम उसका एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे करवाने के बाद में उसका लैबोरेटरी टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग की जब रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद में वह डॉक्टर्स के पास में डायग्नोसिस के लिए जाते हैं और तब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं किस लेवल की इनकी बीमारी है और उसके अकॉर्डिंग उनको किस लेवल का हमें ट्रीटमेंट देना है। संस्थान में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, संस्थान के पास वो सब संसाधन, वो सब मशीनरीज, वो सब उपकरण है जो किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए चाहिए, और वो इनहाउस है, पेशेंट को कहीं बाहर नहीं जाना होता, कहीं पैसे खर्च नहीं करने होते, सभी प्रकार की सुविधाएं संस्थान में एक छत के नीचे हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की है। यहाँ ट्रीटमेंट ऐसा है कि लोगों को बहुत सफलता मिलती है, 100% रिजल्ट है।
उसके अलावा भारत के विभिन्न हॉस्पिटल से रेफर्ड पेशेंट बहुत आते हैं, कहीं उनका इलाज नहीं होता, वो निराश हो चुके होते हैं, बहुत पैसे लगा चुके होते हैं, थक हार जाते हैं, अंतिम आस लिए नारायण सेवा संस्थान में आते हैं। और यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ डिसेबिलिटी है, अगर यहाँ आ गए तो आपका इलाज होना ही है और अच्छा इलाज होना है। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ मिलाकर 75 की टीम है। वो प्रतिदिन 80 से 100 ऑपरेशन प्रतिदिन करती है और आज तक हमने 270,000 पेशेंट ऑपरेट कर दिए हैं। अब तो करीब 70,000 से ज़्यादा ही ऑपरेशन विकलांगों के कर चुका हूँ। तरह तरह के बीमार आते हैं, तरह तरह के विकलांग होते हैं, कई जन्मजात होते हैं, कई उसके बाद में खाने पीने की कमी से हो जाते हैं, कई चोट लगने से हो जाते हैं। रिहेबिलिटेशन में सर्जरी एक का है, फिजियोथेरेपी दूसरी है और उसको प्लेसमेंट करना वो तीसरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें यहाँ की जाती है। 90% से ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और एक बार में, एक मरीज में ही 4-5 ऑपरेशन तो आम बात हो जाती है, क्योंकि एक जगह नहीं होती विकलांगता, कई जगह होती है शरीर में। और सब जगह हमको इस प्रकार ध्यान रखना पड़ता है कि आगे जा कर के वो खड़ा हो सके, अपना कामकाज कर सके और खाने कमाने लायक बन जाए और समाज में अपना स्थान बना सके। संस्थान का हॉस्पिटल, जिसे हम मानव मंदिर बोलते हैं, 24/7 365 डेज खुला रहता है, नेशनल हॉलीडेज को छोड़कर। इसलिए आप कभी भी आ सकते हैं अपने पेशेंट को लेके, हर समय संस्थान आपकी सेवा के लिए तत्पर है। अभी हम कोई भी पेशेंट आता है उसको 1 या 1.5 साल बाद की वेटिंग देते हैं, नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में हमें पेशेंट को वेटिंग देनी होती है। उसके कारण ये होते हैं कि हमारे पास जो 1100 बेड हैं वो फुल इक्विप्ड रहते हैं, और दूसरा, यदि सहयोग मिलता रहे, ज़्यादा सहयोग मिले तो हम उस वेटिंग को भी कम कर सकते हैं, हम अपने संसाधन बढ़ा सकते हैं। हम जो 80-100 ऑपरेशन रोज कर रहे हैं उसे हम 150 ऑपरेशन प्रतिदिन तक ले जा सकते हैं यदि हमें कुछ मदद मिले तो। मैं यहाँ पे मुंबई से आई हूँ। पहले मेरा बच्चे का ट्रीटमेंट मुंबई में चालू था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं हुआ, तो किसी ने मुझे बताया और कुछ टीवी से भी देख के मालूम पड़ा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है नारायण संस्थान में। तो हम लोग इसको पिछले महीने लेके आए थे, तो उसके पैर का प्लास्टर किया था, फिर प्लास्टर करा के आए। मतलब पहले से मेरा बेटा बहुत बेटर है, चल सकता है, स्मूथ पहन के खड़ा भी हो सकता है। और फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे सब अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, डेली का सफाई भी होता है, डेली बिस्तर का चेंजिंग भी डेली होता है, रात को भी डॉक्टर दिन में सुबह भी आते हैं, दोपहर को भी आते हैं, शाम को भी चेक करने के लिए आते हैं, दवा वगैरह सब बेटर है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। 5 साल पहले मेरा पैर इन्फेक्शन के कारण कट गया था और मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारा पैर नकली लग सकता है, 65-70 हज़ार रुपये की लमसम खर्चा आएगा, इतना मैं खर्चा नहीं कर सकता था। मुझे पड़ोसी ने बताया कि नारायण संस्था में फ्री पैर लगाए जाते हैं, मैं वहाँ पर आया और पैर मैंने लगवाया और अब पहले से अच्छे चल सकता हूँ। हम लोग लिम्स मुफ्त में इसलिए देते हैं कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी को हाथ की ज़रूरत है तो किसी को पैर की। संस्थान ने उनके कष्ट को समझा तो हमने मॉड्यूलर लिम्स उनके लिए तैयार किए। मॉड्यूलर लिम्स में बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, वो पहनने में बहुत हल्का है, इसमें पैसा ज़रूर अधिक लगता है लेकिन व्यक्ति एक बार लेता है तो ज़िंदगी भर उसका सहारा बनता है लिम्स। मैं पिछले 20 साल से नारायण सेवा संस्थान में ये प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को देखता हूँ, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बनते हैं, और एक आर्टिफिशियल लिम्स को बनाने में हमें 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन आज अगर पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसका मेजरमेंट्स और कास्टिंग वगैरह करने के बाद उसको हम 2 डेज़ में उसको डिलीवर कर पाते हैं। और हमारे पास एक 10 लोगों का टीम है, वो पर डे का हम 7-8 पेशेंट को भी हम फ्री कर पाते हैं। पेशेंट आता है, हमें कुछ चीज़ों के ध्यान रखना पड़ता है, उसके उंड जो घाव होता है, जो पार्ट कटा हुआ होने के बाद जो घाव होता है वो भर जाना चाहिए और उस पार्ट में स्वेलिंग नहीं होना चाहिए या किसी तरह का स्किन का ग्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए ताकि उसको आगे जाकर के दिक्कत नहीं आए। इसमें तकरीबन हमने आज तक 40,000 से अधिक लोगों को लिम्फ दे दिए हैं।
जिस पेशेंट को जिस प्रकार की नीड होती है उस प्रकार से हम प्रतिदिन उपकरण भी देते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है। इस विभाग के द्वारा पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में व्यायाम, अलग अलग प्रकार की कसरत मशीनों के द्वारा सिखाई जाती है। हाथ या पैर जिसमें ऑपरेशन हुआ है उसमें फिजियोथेरेपी का रोल काफ़ी अहम है। 50% ऑपरेशन का है तो मैं कहूँगा कि 50% फिजियोथेरेपी का है। हमारे यहाँ पोलियो, CP और CTV जैसी बीमारियों के पेशेंट आते हैं। पोलियो जैसे बाढ़ लकवा, CP मतलब सेरेब्रल पाल्सी मतलब कि ब्रेन की विकृति, उसके कारण कोई भी शारीरिक विकलांगता हो जाती है, मसल टाइट होना, और CTV में जन्मजात पैर का पंजा टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। अभी तक भारत में 40 केंद्र निःशुल्क कार्य कर रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में। अभी तक मुझे लगता है जैसे हमने 2,70,000 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, इन सब की फिजियोथेरेपी हुई है, और उसके अलावा इन 40 केंद्रों के द्वारा तकरीबन 2-3 लाख लोग फिजियोथेरेपी ले चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑपरेट होते हैं उसके बाद में वो एक बैट पर बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चंचल स्वभाव के होते हैं। बच्चे यदि खेले कूदे ना तो उनकी, ये मान लीजिए कि उनको ऐसा लगता है मुझे बांध दिया गया है। जब ये टॉय ट्रेन और झूले नहीं थे तो उनकी जो रेट थी ठीक होने की वो थोड़ा समय ले रही थी, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, यदि दवा और हैप्पीनेस, खुशी दोनों मिल जाए तो शायद ये क्योर जल्दी हो पाएंगे। इसी वजह से टॉय ट्रेन हमने मंगवाई। पूरे परिसर में हमने हॉस्पिटल्स के बीच में से ट्रेन की पटरियों को निकाला। उसका तात्पर्य यह था कि कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल में अपने बैट से उतरे और उस टॉय ट्रेन पे चढ़े और पूरे परिसर का आनंद लें, और उसके अलावा जो झूले लगाए हैं उन झूलों से बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। हमने संस्थान में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल की स्मेल आपको नहीं आएगी, कोई मक्खी मच्छर आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करते हैं, महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन वो साफ़ अच्छा कर देते हैं फर्श को, चाहे टॉयलेट्स हों, चाहे वार्ड्स हों, चाहे किचन हो, सभी जगह साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है संस्थान में। मैं यदि भोजन की बात करूं जो पेशेंट और अटेंडेंट को वितरित होता है, वो पहले टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद ही वो सब लोगों में वितरित होता है। पेशेंट को कहीं भी इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ता भोजन के लिए, उनके बेड पर भोजन आता है और वो अपने बेड पर लगी टेबल पर भोजन करते हैं। मैं करीब 5 वर्ष से संस्थान में भोजन की व्यवस्था देखता हूँ। रोज का करीब 5,000 प्लेट भोजन तैयार होता है, उसमें 60-70 व्यक्ति भोजन बनाने में रोज सहायता देते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से पेशेंट्स अटेंडेंट आते हैं, इनके लिए ऐसा भोजन हम तैयार करते हैं जो पूरा हाइजीन फुल हो। इनके बैलेंस डाइट का भी हम ध्यान रखते हैं, बैलेंस डाइट में जैसे सारे न्यूट्रिशन उसमें जो रिक्वायर्ड है, और जो भी भोजन बनता है वो हम विशेष RO वाटर में बनाते हैं ताकि अलग अलग जगह से आने वाले लोगों को पानी की कारण कोई तकलीफ ना हो। साथ में हम टेस्ट का भी विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि बच्चे, सारे बच्चे और बड़े सब अलग अलग एज ग्रुप के रहते हैं, तो हम उनका टेस्ट का भी विशेष ध्यान रखते हैं। और एक विशेष बात, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट के भोजन की व्यवस्था नहीं, यहाँ एक पेशेंट के साथ 4 या 5 अटेंडेंट हो तो भी उनके भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। तो हमने सभी के लिए भोजन और आवास की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क रखी है। भगवान ने ये जो मानव शरीर बनाया है ये बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए तथ्य हैं जो व्यक्ति को पता नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बायोलॉजिकल पार्क में लोग अपने अंदर झांक कर देखें। यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग हैं,
एक साथ हिलमिल कर रहते हैं। यहाँ कोई जाति वर्ग का भेदभाव नहीं है। तो सर्वधर्म संभाव के दृष्टिकोण से हमने सर्वधर्म मंदिर बनाया है, जिसमें ईसा मसीह भी हैं तो पैगंबर साहब भी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं तो कृष्ण भगवान भी हैं। भारत में बहुत सारे बच्चे ब्लाइंड हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे मूक बधिर हैं। बोलना और सुनना उनको भगवान ने नहीं दिया या कुछ समय बाद हो गए हैं, जन्म से नहीं है। तो इन प्रकार के बच्चों के लिए संस्थान काम कर रही है, इनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल है जिनमें खाना पीना रहना और शिक्षा का उचित प्रबंध है। हम कंप्यूटर के क्लासेस चलाते हैं जिसमें उन्हें सिखाते हैं, और एक जॉस सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप की दबाते हैं तो आवाज़ आती है कंप्यूटर से कि आपने ये की दबाई है, और वो सुनकर बहुत अच्छे से कंप्यूटर का हर काम कर लेते हैं जो आप और हम कर लेते हैं। My name is Ishwar. मैं ये कहूँगा कि इसकी स्थापना के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह इन्हें लगना चाहिए। हमने कोशिश की कि बच्चों में हुनर का विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ यदि वो हाथ से काम करने में दक्ष हो जाएंगे तो उन्हें कहीं देखना नहीं पड़ेगा, जॉब जल्दी मिलेगी, या फिर वो जॉब नहीं मिलने पर अपना खुद का रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया। बच्चे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के पॉट्स बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ अपने हाथों की उंगलियों को चला कर दे रहे हैं। देख कर आश्चर्य होता है, बच्चे सीखते भी बहुत जल्दी हैं। और ये मिट्टी के बर्तन आपको पता है कि जिसकी कॉस्ट अमूमन 50-60 रुपए होती है, यदि उसे कलर करके फिनिशिंग वे में आप मार्केट में प्रेजेंट करें तो उसकी कॉस्ट 500-700 रुपए भी लोग आराम से दे सकते हैं। उसके अलावा कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग है जो हम बच्चों को बचपन से दे रहे हैं। जब वो बड़े होंगे तो वो बहुत दक्ष हो जाएंगे और उन्हें किन्हीं के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं और वो कार्टून यदि पढ़ाई में काम ले लिए जाएं तो बच्चे तो A4 एप्पल बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो हमने कोशिश की एक नारायण चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की रचना करने की, और उसमें स्मार्ट क्लासेस के द्वारा हम अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। स्मार्ट क्लासेस के पीछे हमारा सोच यही था कि बच्चे जल्दी से जल्दी सीखें और नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक गुण, मानवीय मूल्य उनके अंदर स्थापित हों। हमने मैन एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है। नारायण सेवा संस्थान जब ऑपरेशन करके अपने कार्य की इतिश्री समझ लेता था तो बहुत सारे लोग आए हमारे पास और कहा उन्होंने कि हम लोग तन से तो स्वस्थ हो गए हैं लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, औरों पर निर्भर हैं, तो हमें कुछ ऐसा काम सिखा दीजिए ताकि हम औरों का भरण पोषण कर पाएँ, परिवार पर भार नहीं रहें। तो नारायण सेवा संस्थान ने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के तहत मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई और कंप्यूटर कोर्सेज का काम शुरू किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि तकरीबन 90% लोगों का जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। 10% का नहीं हो पाता उनकी पारिवारिक स्थिति के चलते, तो हम कोशिश करते हैं उनके घर पर छोटा सा कोई रोज़गार खोल दें। जिनका कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाता वो संस्थान में अलग अलग विभागों में लगा दिए जाते हैं।